Good morning students, welcome to TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 2, the part 2, Shehnai of Bismillah Khan. Last class में मैंने आपको बताया था कि जो बिस्मिल्लाह खां है वो शहनाई वादक है. उन एक मतलब म्यूजिशियन जो फैमिली थी, उन्होंने संगीत जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा होता था उसी के अंदर उस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया. उनके फादर, उनके दादा उसके अंदर शहनाई वादक बहुत अच्छे थे. तो धीरे धीरे वो भी अपने मामा के साथ उस चीज़ का प्रयास करने लगे और शहनाई बजाना स्टार्ट उन्होंने किया बनारस के अंदर गंगा के किनारे. और शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम शहनाई कैसे पड़ा, जो औरंगजेब का टाइम था तो शाही निवास के अंदर एक बारबर ने शहनाई बजाई थी फर्स्ट टाइम, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई. ठीक है, नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह ऑक्यूमेंस्ड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एंड ऑफ हिज रेसिटियल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेट वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. ही सून बिकम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. 14 साल की उम्र में जब बिस्मिल्लाह का अपने मामा जी के साथ कहाँ गए थे, इलाहाबाद गए थे, एक संगीत कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, म्यूज़िक की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ वो गए. तो उसमें उस्ताद फैज़ खां जो थे उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई बिस्मिल्लाह खां की और कहा, बेटा बहुत मेहनत करो और तुम्हें अपनी मेहनत का लाभ ज़रूर मिलेगा. तो 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो जो था उसके खुलने के साथ में बिस्मिल्लाह खां को एक नया मोड़ मिला. मतलब उसके बाद लाइफ उनकी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे क्या होने लगा, उनकी जो शहनाई वादक जो इंस्ट्रूमेंट वो जो बजाते थे तो उसका जो म्यूज़िक था वो किस पे आने लगा, धीरे धीरे रेडियो पे आने लगा और रेडियो के थ्रू सब लोग उसको सुनने लगे. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. He poured his heart on into raag kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Triyast with Destiny speech. 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तो बिस्मिल्लाह खां राष्ट्र के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पर शहनाई के साथ स्वागत किया था और लाल किले पर राग काफ़ी उन्होंने गाई थी. और मतलब जो सुनने वाले लोग थे, ऑडियंस जो थी उसमें काफ़ी लोग थे और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर थे. और उन्होंने फिर अपना भाषण दिया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ विश्वास दिलाया उन्होंने, इस बात पर उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी. बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज टू टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पेरिशियंस कारपेट्स एंड अदर सौवेनियर्स. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन ऑफ द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया. दिल का खिलौना ही टूट गया टर्न्ड आउट टू बी नॉट नेशन वाइड चैटरबस्टर. बिस्मिल्लाह खां ने मतलब बहुत से ऐसे काम किए और बहुत से मतलब यादें बनाई है जो कई भारत में भी थी और विदेशों में भी थी. उनका पहला विदेश दौरा कब था, अफगानिस्तान के अंदर था, जहां उन्होंने बादशाह जाहिर के लिए शहनाई बजाई थी और वो इतने ज़्यादा मतलब उस पर इम्प्रेस्ड हुए थे उनसे कि उन्होंने काफ़ी अच्छे उनको उपहार दिए थे. और उनकी जो पहली फिल्म थी उसके अंदर भी उन्होंने जो विजय भट्ट जो थे डायरेक्टर वो भी काफ़ी खुश हुए थे और उनकी जो शहनाई थी गूंज उठी शहनाई वो एक कन्नड़ फिल्म थी उसके अंदर भी उनको काफ़ी अच्छा मतलब कहते हैं ना काफ़ी अच्छा उनका वो पॉपुलर हुई मूवी और काफ़ी चार्ट ब्लस्टर हुई, मतलब काफ़ी फेमस वो मूवी हुई. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलोइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खां वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर संधि अपना आई जस्ट कांट केम टू टर्न
comes with the artificiality and glamour of the film, what he sees with emphasis. और ऐसे करके उनकी कन्नड़ फिल्में और काफ़ी सारी फिल्में जो उनकी आई उसके अंदर उनका जो शहनाई था वो प्ले उन्होंने किया. Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Oscar Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कई इनाम मिले. उनकी पहचान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और वो पहले भारतीय थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में सम्मानित किया गया. उसमें पहली बार उन्हें बुलाया गया और मॉन्ट्रियल के अंदर कनस कला उत्सव में भी उनको अवार्ड मिले. ऑस्कर ट्रेड मेले में भी उन्होंने भाग लिया और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने मतलब अवार्ड्स प्राप्त किए. और उसके बाद उनको एक ऑडिटोरियम में उनको किस नाम से पुकारा गया, ताहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम रखा गया, उस नाम से उनको जाना जाने लगा. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विष्णु वर कॉन्फर्ड ऑन हिम. उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और 2001 में उनको भारत का जो सबसे महान पुरस्कार होता है, जो सब लोगों को मिलता है, जो सबसे मतलब बड़ा हमारे यहाँ जो अवार्ड है वो भारत रत्न है, और उससे भी उन्होंने नवाजा गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और जब उन्हें वो मतलब अवार्ड दिया गया तो उनकी आँखों में एक अलग सी चमक थी और अलग सी खुशी थी. तब उन्होंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को क्या दीजिए, संगीत की शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये भारत की महान परंपरा है. और मतलब मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को क्या सिखाइए, म्यूज़िक सिखाइए. In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Chennai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Saab asked him if he would be able to transport River Ganga as well. Later, he is recommended to have said, "That is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique Mata of Dumrao." जब वो पूरे संसार की यात्रा करते थे तो जो खान साहब, उसके नाम से उनको लोग प्यार करते थे और उसी के नाम से उनको बुलाते थे, बट फिर भी उन्हें अपने बनारस की, अपने गांव की, डुमराव की बहुत ज़्यादा याद आती थी. वो कहते थे कि जो मतलब गंगा का जो स्थान है, अगर मेरे बस में हो तो मैं उसे यहाँ भी ले आऊँ. वो जो फॉरेन कंट्री में होते थे तब भी वो गंगा के टाइम, गंगा नदी के जो किनारे वो जो म्यूज़िक बजाते थे, शहनाई प्ले करते थे, उसको वो मिस करते थे. कहते थे कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो मुझे सिर्फ भारत जाने की वापस इच्छा होती है, और जब मैं बॉम्बे आता हूँ तो मुझे सिर्फ बनारस जाना होता है, और बनारस आकर मुझे लगता है कि बस मैं डुमराव के अंदर जो मट्ठे जो है उसको मुझे याद आ जाती है, और मैं गंगा के किनारे बैठकर म्यूज़िक बजाना चाहता हूँ. मतलब चाहे वो पूरे फॉरेन कंट्रीज़ में घूमे हो या उनको इतनी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हो, मगर उनकी जो मातृभूमि से जो लगाव था या जो एक इंडियन होने का जो लगाव था वो उनके मन से कभी ख़त्म नहीं हुआ. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. और जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके अंदर मतलब इंडियंस लव तो था, भारतीय प्रेम भी था, अपनी मातृभूमि को लेकर भी लगाव था, बट वो एक इतने अच्छे मुसलमान होने के बाद भी, मतलब एक सच्चे मुसलमान के बावजूद भी, उन्हें
उनके अंदर भेदभाव नहीं दिखाई गया, उन्होंने अपनी भारतीय जो सभ्यता थी उसका जो अपना जो कल्चर था वो कभी नहीं छोड़ा। उसको मतलब एक बहुत अच्छे एग्जांपल वो थे कि इतने बड़े मुसलमान कट्टर मुस्लिम ही होने के बावजूद भी वो कहाँ सुबह सुबह अपनी शहनाई प्ले करते थे, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाकर वो वादन किया करते थे। मतलब चाहे वो धर्म से मुसलमान थे बट उनके अंदर जो हिंदुस्तानी प्रेम था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, और धर्म के लेकर उन्होंने कभी भेदभाव अपने आप में नहीं शो किया। और चाहे वो फॉरेन जाए चाहे किसी भी कंट्री में जाए बट जो उनको लगाव होता था गंगा नदी के किनारे या किसी भी मंदिर में जाकर शहनाई प्ले करने का, वो लगाव उनके मन से कभी भी दूर नहीं हुआ। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज़ आर कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।